हाय गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो मैं हूँ आपका भाई बालाजी, आपका गाउटी ब्रदर में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से मधुमक्खी का छत्ता गिराने के लिए। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता गिराऊंगा। दोस्तों, अब मैं छोटे इतने इतने बड़े से मधुमक्खी को नहीं ढूंढूंगा, मधुमक्खी के छत्ते को ढूंढूंगा नहीं, बहुत बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते को ढूंढूंगा, क्योंकि बहुत परेशान हो गया था मैं छोटे छोटे मधुमक्खी का छत्ते गिरा के। तो देखिए, मैं लगभग जिधर ज़्यादा पेड़ रहते हैं उधर के एरिया में आ गया हूँ। देखिए मेरे पीछे कितने बीबी के पेड़ और नीम के पेड़ है, जो कि जिधर खतरनाक पेड़ रहते हैं बोले तो सुरक्षित पेड़, वहाँ ही मधुमक्खी का छत्ता रहता है, क्योंकि मधुमक्खी को ज़्यादा क्या पसंद बोले तो सुरक्षित जगह ही। तो दोस्तों, देखिए कितनी सुरक्षित जगह है, जो कि पेड़ पौधे है। तो दोस्तों, मैं अब उधर पेड़ को मधुमक्खी का छत्ता देखूंगा। तो दोस्तों, मुझे फॉलो करो। तो गाइस, मैं आ गया हूँ लगभग पेड़ के पास। तो देखिए कितना बड़ा पेड़ है, तो जाके नजदीक जाके देखूंगा छत्ता है कि नहीं। गाइस, इस पेड़ पे भी मधुमक्खी का छत्ता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा पेड़ था। देखिए गाइस, इस पे मधुमक्खी का छत्ता था तो आसानी हो जाती थी गिराने के लिए। देखिए, बहुत अच्छा स्टेप था जो कि चढ़ने को आसानी होती थी। बहुत जल्दी मैं इस पेड़ पर चढ़ के मधुमक्खी का छत्ता गिराता था, लेकिन क्या करे, जो इरादा मैं कर लेता हूँ वो कभी मेरा सफल नहीं होता। तो देखिए, अब मैं जाऊँगा उस तरफ, लेकिन उधर देखिए दोस्तों, बकरियां चरा रहे हैं, जो कि किसान, बहुत हरा भरा सा थोड़ा एरिया है, इसलिए पशु लेके इधर चराते हैं दोस्तों। तो जाएंगे उधर, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे, तो देखेंगे अपना काम क्या है। तो गाइस, बहुत थक गया था। तो देखिए गाइस, इधर कितना अच्छे जो कि पेड़ पौधे, एक बार नज़र भर के देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े पेड़ और हरे भरे हैं, जो कि ऐसा है जगह पे मधुमक्खी के छत्ते रहते हैं। तो देखिए, इधर जब बारिश के टाइम में पानी आता है दोस्तों, इधर से उधर जाता है, तो देखेंगे इधर भी मधुमक्खी के छत्ते। देख के चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कांटे और वगैरह वगैरह सौंप भी रहते हैं। तो दोस्तों, देख के चलना पड़ेगा, देख के चलेंगे, आओ मेरे पीछे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा पेड़ पानी की तेज बहाव से इधर गिर गया है। इधर मधुमक्खी का छत्ता रहते भी तो मुझे मारने के लिए नहीं आता था। देखिए दोस्तों, कितने नुकीले कांटे हैं, जो कि शायद गिराते वक्त चुभ सकते थे, तो मैं इधर नहीं मारूंगा। लेकिन उधर से देखा तो मुझे लग रहा था कि इधर मधुमक्खी का छत्ता मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा पेड़ है जो कि मधुमक्खी बैठने जैसे सुरक्षित। तो चलो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, इधर है मधुमक्खी का छत्ता, जो कि मैं समझ रहा था इधर मिलेगा, लेकिन मुझे इधर मिल चुका है दोस्तों। देखिए कितना झाड़ियाँ बड़ा है दोस्तों, जो कि उतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन कैसे बैठा इधर मधुमक्खी का छत्ता कुछ मुझे कुछ पता नहीं लग रहा दोस्तों। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ तो मधुमक्खियाँ कैसे हिल रही है,
उनको लग रहा है कि कोई तो आया है मधुमक्खी का छत्ता गिराने के लिए, ऐसा उनको लग रहा है। तो देखिए दोस्तों मधुमक्खियाँ कैसे हिल रही है, जो कि उनको लग रहा है कि इधर गिराने वाला कोई तो आ गया, गौटी बुर के डर रही है। तो मैं अभी इसे गिराऊंगा दोस्तों। तो अब मैं इसे गिराने के लिए मुझको मेरी हथियार की ज़रूरत है, और वो ये हथियार के साथ ये पूरी तरह से झाड़ियाँ साफ करे तो मधुमक्खी का छत्ता मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मैं इसीलिए अब मेरा हथियार के साथ लौटूंगा दोस्तों, पूरी तरह से झाड़ियाँ साफ करके आपके सामने मधुमक्खी का छत्ता गिराऊंगा। किधर भी मत जाइए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मेरे हथियार के साथ मैं आ गया हूँ और पूरी तरह से झाड़ियाँ साफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता निकालने में आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों नज़दीक आके कितना अच्छा नज़ारा है, जो कि मैं जब पास आया तो मधुमक्खियाँ उड़ जा रही है। देखिए दोस्तों आपको छत्ता दिखाई दे रहा होगा, देखिए दोस्तों कितना बड़ा छत्ता है, जो कि मधुमक्खियाँ मैं झाड़ियाँ साफ करने से आगे निकल गई है। अब मैं पूरी तरह से साफ करूँगा दोस्तों, और इधर इस डाली को है मधुमक्खी का छत्ता, जो कि ये डाली मैं तोड़ दूंगा तो मुझे आसानी होगी मधुमक्खी का छत्ता गिराने में। तो मैं अब पूरी तरह से साफ कर दूंगा। देखिए दोस्तों मैं पूरी तरह से साफ कर रहा हूँ। देखिए बारिश की वजह से जो कांटे झाड़ियाँ में आके बैठे थे तो उसे मैं निकाल दे रहा हूँ दोस्तों। कांटों का पेड़ नहीं, लेकिन जो कांटों को डाली रहे जो तोड़ के इधर ही इस झाड़ियों को आके बैठी गई है दोस्तों। मैं अब इसे अच्छी तरह से निकालूंगा, क्योंकि कांटे चुभ रहे हैं आगे जब जा रहा हूँ। तो मैं तो गाइस देखिए पूरी तरह से मैं झाड़ियाँ साफ कर दे रहा हूँ, और इस डाली पे मधुमक्खी का छत्ता है। तो अब मैं इस डाली से उधर से तोड़ूंगा, क्योंकि जिस भाग में छत्ता है वो आसानी से निकल सके। तो मैं अब उधर डाली तोड़ने की ट्राई करूंगा दोस्तों। अब दोस्तों बहुत तकलीफ हो रही है डाली तोड़ने में, क्योंकि इधर काटो है, काट ऐसे आगे जाने से काटे चुभ रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं हल्लू से निकालने की कोशिश करूँ, तो फाइनली गाइस निकल गया है मधुमक्खी का छत्ता। तो गाइस देखिए, जो कि इधर के हिस्से में इस डाली पे मधुमक्खी का छत्ता था, मैं इस डाली को काट दिया हूँ और आधी डाली इसमें ही फंसी है, लेकिन मैं बाद में निकालूंगा दोस्तों। देखिए नज़दीक आके देखिए दोस्तों कैसे मधुमक्खी के छत्ता दिखाई दे रहा है। ये नीचे के हिस्से में कुम नहीं बैठ रहे दोस्तों, जहाँ शहद रहता है वहीं के एरिया में मधुमक्खियाँ बैठ के शहद पीने की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्चे निकालने की कोशिश नहीं कर रही है। देखिए दोस्तों पूरी तरह से बच्चे भी निकल गए हैं, इधर थोड़ी ही अंडे है दोस्तों, लेकिन मैं बाद में इसका छत्ता उधर छोड़ दूंगा। देखिए दोस्तों मधुमक्खियाँ, देखिए दोस्तों कुछ नहीं कर रहे अब, देखिए दोस्तों कितना मजा आ रहा है दोस्तों। लेकिन इसके साथ मैं नहीं खेलूंगा दोस्तों, लेकिन देखिए कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, देखिए कितनी तरह इधर के नीचे के मधुमक्खियां देखिए दोस्तों ऊपर उड़ गए। मैं पहले ही उठा दिया था इस मधुमक्खियों को, लेकिन ये जो शहद के ऊपर है उसे नहीं उठाया दोस्तों, लेकिन मैं अब उठाऊंगा। देखिए देखिए दोस्तों मैं हाथ से निकाल रहा हूँ मधुमक्खियाँ, लेकिन बालाजी गाउटी ब्रदर निकाल रहा बोल के आप मत निकालिए दोस्तों, आपको काटेंगे तो बहुत परेशानी होगी दोस्तों, इसलिए ऐसा मत करिए। देखिए नज़दीक आके देखिए दोस्तों मैं उठाने जा रहा हूँ मधुमक्खियाँ।
प्यार से करना पड़ता है दोस्तों, प्यार से किए तो ही मधुमक्खियां नहीं काटती, लेकिन आप बहुत गुस्से जाओ ऐसा ऐसा करे तो काट सकती है दोस्तों, इसलिए प्यार से करना। देखिए मैं प्यार से करूंगा तो मुझे कुछ नहीं कर रहेंगे दोस्तों, देखिए 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 दोस्तों, प्यार से करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ नहीं करते देखिए, इसलिए प्यार से करिए। तो दोस्तों मैं अब इसे निकालने की कोशिश करूंगा, तो फाइनली मैंने निकाल दिया हूं दोस्तों। ए मधुमक्खी छत्ता गिराने में बहुत मजा आया दोस्तों, क्योंकि बहुत प्यारी सी मधुमक्खी आती थी, आपने देखा एक मधुमक्खी ने भी नहीं काटा दोस्तों, इतना प्यार मुझसे करती है। अब मुझे अब पता चला, मैं हाथ में लिया तो भी मुझे काटे नहीं दोस्तों। देखिए अब मैं इधर ये नीचे का हिस्सा उधर ही छोड़ूंगा। तो देखिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। देखिए शहद भरा हुआ है दोस्तों, अब मैं नीचे का छत्ता काट दूंगा दोस्तों, अब मैं नीचे का हिस्सा काटूंगा दोस्तों, जो कि मुझे आसानी होगी शहद का छत्ता गिराने में। तो मैं अभी से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गाइस नीचे का हिस्सा मैं निकाल दिया हूँ, अब मैं इसे मधुमक्खी के छत्ते के पास ही छोड़ दूंगा। अब मैं इधर ये शहद को रखूंगा दोस्तों, अब मैं देखिए गाइस मैं अब इधर छोड़ने जा रहा हूँ, इसे अच्छा लगा के रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं इधर ही छोड़ूंगा, देखिए दोस्तों नज़दीक जाके देखिए मधुमक्खियाँ बैठने की कोशिश कर रही है उसके ऊपर। तो दोस्तों अब मैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय और एंजॉय करते रहो।